Welcome to Quality Content India. Please subscribe our channel and press the bell icon. आप लोग ये बताइए, अच्छा आपका नाम क्या है आपका? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद बहुत तहे दिल से करना चाहता हूँ। किस लिए? इसलिए कि आप मीडिया वाले मेरे को एक मिनट दिया। अच्छा। ये दिल्ली के विधानसभा चुनाव क्षेत्र में बदरपुर विधानसभा चुनाव का एक गरीब नागरिक, मेरा नाम रामाकांत भारद्वाज है। आगे अब आप क्या पूछना चाहते हैं ये बताइए। ये सीटी क्यों है आपके गले में? ये सीटी है कि अभी अभी यहाँ पर पीछे ग्राउंड में वॉलीबॉल का मैच चल रहा था। ये नादानी ना करें कोई भी नादान बालक, क्षमा बटन को चाहिए छोटन को उत्पात। वॉलीबॉल का खेल चल रहा था, मैं वहाँ रेफरशिप करके अभी अभी मैच खत्म करके आप मैच के रेफरी थे जी वॉलीबॉल? अच्छा, वॉलीबॉल। स्कूल है, स्टूडेंट्स के मद्देनजर मेरे को बुला लेते हैं। मैं बच्चों को प्यार करता हूँ, खेल प्रेमी हूँ, भावनाएं जगाने से जगती हैं। और इसके बारे में आपका क्या विचार है, खेल के बारे में आप अपना बता दीजिए। खेल का तो मुझे लगता है सरकारों को खूब प्रमोट करना चाहिए, संसाधन बनाने चाहिए ताकि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश के खिलाड़ी और से ज़्यादा मेडल ला सकें। पर सरकारें तो काफ़ी सुस्त हैं इस मामले में। अब आ जाइए आप दिल्ली के बदरपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र को आगे बढ़ाते हैं। मेरी प्यारी बिटिया, सबसे पहले दो शब्द मैं आपको ये बताता हूँ, दो टुक ज़्यादा नहीं जानता कि भरा नहीं है भावों से तो फिर बहती, जिसमें रसदार नहीं वह हृदय नहीं वह पत्र है, आदरणीय नेताजी से प्यार नहीं। इनके बारे में क्या शब्द कहूँ, सबके समक्ष है। मैं नहीं, उन बहु बेटियों से जाके पूछो और उन माँ बापों से जाके पूछो जिनकी आज भी मेरी बेटियाँ जो समझदार सियानी और युवा ब्रिगेड जो आगे युवा अवस्था में आ रही हैं, उनके माँ बापों को वो चिंता नहीं है कि वो शादी कैसे करेंगे। उनको चिंता इस बात की सता रही है कि आगे इस महंगाई के अंदर किस तरीके से जो कारगर स्थितियां खड़ी हुई, उनका सच्चा साथी का नाम राम सिंह नेता, उनकी बेटियों की शादी के लिए धर्म के नाम पे बाबा सूरदास का नाम आगे करके पानी की जो व्यवस्था करते हैं अप्रैल से अगस्त तक के लिए, ये प्याऊ लगाते हुए आज 25 साल तो हमने देखा है। घर घर में बहु बेटियों की शादी का कन्यादान, पानी दान, महादान, इससे दान और क्या होगा। नेताजी के सपोर्टर? मैं नेताजी का सपोर्टर नहीं हूँ, सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए बिल्कुल। ये युवा ब्रिगेड कृपया करके मेरी जनता ध्यान दें, कीप साइलेंट, हिंदी में कहूँगा बिल्कुल शांति का दान बनाए रखें। बिटिया बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछ रही है, इनकी अच्छे उत्तरों की झोली भर के भेजूँगा। रही बात राम सिंह नेताजी के सपोर्ट करने की, सो मैं आपसे दो शब्दों में कह देता हूँ, बिल्कुल उस इंसान का सपोर्टर बनना चाहिए कि हम तो करबला के आंसुओं में जी लेते हैं मगर करके एहसान भी हम अपनी नज़र चुरा लिया करते हैं। जो कल तक हमें कोई पूछा नहीं, नेताजी ने अपना के आबाद किया हुआ है। मेरी प्यारी बिटिया, कामकाज के बारे में बताइए। कामकाज के बारे में मैं आपको आज ये बंद कराना बेटा, कामकाज के बारे में मैं आपको 1997, 1998, 1999 और 2000 की बात बता देता हूँ। वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा चलिए आप बोलिए, माइक में आवाज बिल्कुल मेरी आवाज भी आ रही है और सुचारू रूप से ये दुनिया भी देखेगी बदरपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र की 1997, 1998, 1999 की आंखों से देखी हुई बात है। मोलड़बंद विस्तार, मोलड़बंद गांव, ताजपुर पहाड़ी, मीठापुर, जैतपुर, जैतपुर खट्टा कॉलोनी की कीचड़ नुमा एक ऐसी सड़क थी जिसमें मिनिमम 750-800 घरों की बस्तियां होती थी, जैसे 150 घर ताजपुर पहाड़ी, जैसे 125 घर मोड़बंद विस्तार कच्ची कॉलोनी, जैसे जैतपुर कट्टा कॉलोनी बसी थी लगभग। इतनी दुखियारी थी लाइट के मद्देनज़र रखते हुए, 10th क्लास बोर्ड के पेपर होते हैं बिटिया, +2 के बोर्ड के पेपर होते हैं, उस टाइम चालू हो गया था। हमारे टाइम में हायर सेकेंडरी हुआ करती थी, 10th क्लास, +2 हायर सेकेंडरी +1, बच्चे स्टूडेंट के मद्देनज़र विद्यार्थी जीवन को जीने के लिए अंधेरे में पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। आदर्श नेताजी हमारे बड़े भ्राता श्री विधायक बनते थे, बनते रहेंगे, बने हुए थे। उन्होंने खुद अपने करबला के गाँव को उठा करके बांस बल्ली ले जा करके बिजली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों को ले जा करके और वहां पर लाइट की व्यवस्था करी, कौन सा गलत काम किया? इतनी बार चुनाव लड़ने पर, इतनी बार चुनाव लड़ा, दो ही बार क्यों जीते? इसलिए कि जो पिछली बार आपको पता है आदरणीय केजरीवाल जी, श्री अरविंद केजरीवाल जी किस तरीके से लहर में अच्छे अच्छे की अस्थियों को डबो गए थे,
ये तो नादान बालक थे उस टाइम। इतनी बार आपने बोला 25 साल से आप देख रहे नेताजी को, है ना, तो 25 साल में तो इतनी पार्टियों का नाम याद हुआ जितनी बार नेताजी ने पार्टियां बदली, जितनी बार नेताजी कभी निर्दलीय कभी कांग्रेस, क्या कर रहे हैं आप? मार दूंगा मैं इतना गुस्से वाला, मतलब हद है। पार्टी के प्रचारक कहीं भी बाज नहीं आते हैं, कहीं भी बाज नहीं आते। शांति का दाम दे वरना मार दूंगा मैं यहीं की यहीं। अच्छा, हिंसा की बातें ना करिए, ये बताइए कभी निर्दलीय चले गए, फिर कांग्रेस में टिकट नहीं मिला उधर चले गए, कहीं एनसीपी में चले गए, है ना, कभी बसपा में चले गए, कभी ऐसे ही ऐसे, मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, कैसे याद रखते हैं कि रिकॉर्ड क्या था नेताजी का? कौन कहता है यारो आसमान में छेद नहीं होता, कौन कहता है यारो आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर को उछाल कर मार के देख बिटिया, आसमान भी कदमों में होता है। रही बात पार्टी बदलने की, ये मेरे सवाल का जवाब कैसे है? बिल्कुल इसलिए आ रहा हूँ आपके सवाल के आगे, कोई भी अंतरण पार्टी में माफी चाहूंगा, बोलने का सबको बिटिया मौका दे रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे ये जब खड़े हुए थे, जब एक हमारे प्रिय मित्र पूर्व उनसे पहले एक विधायक थे जो हलदर के निशान पे जीत के आए थे, इन्होंने पूरी जनता से पहले ये सलाह मशवरा करते हैं, मैं आपको बता दूं, पहले ये सलाह मशवरा करते हैं कि मुझे किसी पार्टी को नियुक्त करना चाहिए या मैं निर्दलीय मैदान में आ जाऊं। अभी भी 5 जनवरी का हमारा नई साल का एक सम्मेलन था बदरपुर बॉर्डर पर, उन्होंने खुद जनता को कम से कम उस टाइम लगभग 1200-1300 व्यक्ति तो थे, ज़्यादा तो मैं झूठ क्यों बोलूँ, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, उन्होंने सिरमौर सिरताज के लिए जनता के सिर पर रखने के लिए जनता का सवाल जनता के सिर पर रख दिया, आगे करना क्या होगा। उन्होंने कहा नेताजी आपको किसी के पास टिकट की जाने की जरूरत नहीं है, सर्वे आम आदमी पार्टी केजरीवाल के माध्यम से पूरी 70 की 70 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में चल रहे हैं, आपको लगभग 85% सर्वे में मान्यता मिली है, अगर टिकट भी नहीं मिलती है तो दंगल इस चुनाव में निर्दलीय कूद जाना क्या बात है। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी है, जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है हमने बिजली दी, हमने पानी दे दिया, हमने स्कूल कर दिया, हमने अस्पताल कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक, बीजेपी के मुद्दे शाहीन बाग, है ना, पे जोर दे रही है, CAA NRC पर दे रही है, इस विषय में कोई जानकारी है क्या आप लोगों? बहुत बढ़िया प्रश्न किया, पहले तो बिजली और पानी और शिक्षा स्वास्थ्य के माध्यम से जो प्रश्न पूछा है, आप लोग मीडिया वाले बहुत युवा ब्रिगेड हो, सम्मान करता हूँ बेटा, क्या आपको पता नहीं है दिल्ली के LG आदरणीय आदर के योग माननीय नजीब जंग जी ने 3.5 साल तक फाइल दबा के रखी उनकी, उसके बाद दोबारा जो LG बन के आते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केस लड़ने के बाद में केजरीवाल जी ने धरना प्रदर्शन जनता के लिए किया, हम लोगों के लिए किया, और मात्र 13-14 महीने लगभग हुई उनकी फाइलों को पास किए हुए कोर्ट के द्वारा, और सबको पता होना चाहिए हिंद के नागरिकों को, हमें कोर्ट के हर उस कानून का हमें घमंड है, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आपने आपको नेता क्या करते हैं, आपको नेता अपनी सभाओं में बुलाते हैं, आप भी मनोरंजन काफी अच्छा कर लेते हैं, इसका मतलब मैं आपके प्रति मैं बहुत आपकी नजरों में धन्यवाद का पात्र हूँ, इसके लिए मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड माई वर्क इज कम्प्लीट ओपन चैलेंज, राम सिंह नेताजी के मुकाबले में कोई नेता नजर ही नहीं आता, मैं अपनी तारीफ क्यों करूं? रामवीर सिंह भिधूड़ी के बारे में बताइए, 3 बार विधायक रहे हैं, बिल्कुल आदरणीय बड़े भ्राताश्री है वो हमारे राम सिंह जी नेताजी, हमें किसी को अपशब्द बोलने की आज्ञा नहीं दे रखी है, और मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, सबसे पहले तो एक बात बता देता हूँ, मैं सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनको मेरा नाम भी पता है, वो जानते भी हैं मुझे, कौन, रामवीर सिंह? बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं, सबके मित्र भी रहे हुए हैं, परंतु कार्य शैली की और धर्मशाला शैली और धर्म कर्म की शैली तो राम सिंह नेताजी के कदमों में कोट कोट के भरी हुई है, जो आम नागरिक आकर के अपनी सेवा करके ले जाता है। आप मेरे शाहीन बाग के ऊपर सवाल पूछा है ना, आप लोगों को किसी को जानकारी है क्या इस पर? शाहीन बाग का सवाल भी हमसे कर जाते तो बहुत अच्छी बात है। आपसे पूछा था, आप तो नेताजी के गुण गा रहे थे, आपने अभी तक वहाँ तक मैं पहुँचू उससे पहले माइक ले जाके चले गए। आप नेताजी के इतने गुण क्यों गा रहे हैं? इसलिए कि मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता देता हूँ, मेरी घर में एक बेटी मेरी अपनी, 2 मेरी पुत्र वधु जो मैं किसी से भीख मांग के लाया हूँ, बेटी कहाँ है, बेटों तो रंडवे ढोल रहे हैं कहना नहीं चाहिए, 3 मेरे पोती 1 मेरे दोहती, और जब इनको पता लगे किसी के द्वारा पिछले निगम पार्षद के चुनाव में, मैं आपको बता दूं इन्होंने बहुत युवा ब्रिगेड एक नगर निगम पार्षद मिस्टर तरवण कुमार मैदान में उतारा,
और मैदान में उतर करके इन्होंने कहा सर्वे करवाइए किन किन घर में बेटियां हुई हैं। सुनिए तो सही, आप वहां तक पहुंच रहा हूं मैं, आप इधर उधर घूम जा रहे हैं। सवाल मैं तो छुपा के जाइए। अरे मैं छुपा नहीं रही हूं, जब मैं आपको मौका देती हूं आप पता नहीं कहां कहां की बातें ला रहे हैं। साइन बाग के मुद्दे में सबसे पहले एक बहुत बड़ी चीज बोलने जा रहा हूँ। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इसमें हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, हरिजन भाई, ब्राह्मण भाई, नाई, धोबी, छिप्पी, मणियार, 3600 को हम शामिल हैं। इस जाके साइन बाग में देखिए, अकेला मुसलमान का नाम क्यों ले रहे हो आप लोग। कल ही तो बात है, गोली चला दी गई एक पंडित के लड़के के द्वारा एक मुसलमान के लड़के पर। किसी का ये इशारा तो कहीं और नहीं है दोस्तों। जैसा कि अभी 5 दिन 4 दिन पहले ही 200-300 सांसदों का नाम आया हो पंद्रह और कि देखिए और गोली मारिए। आपके बारे में कहना आप है, इस बारे में क्या आप कह रहे अनुराग ठाकुर का, अनुराग ठाकुर के बयान का जिक्र कर रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ अगर मैं उनको देख लेता तो मैं कहता हूँ नादानियाँ बड़ी कमजोर होती हैं। उम्र का ख्याल करते हुए आप सांसद हैं, पूरे देश को अपना मान के चलिए। किसी के बारे में आप यह शब्द एक सांसद को अच्छा नहीं लगता है बिटिया रानी। ये आपका मैसेज है अनुराग ठाकुर के लिए। मेरा अनुज वो मेरा प्यारा बच्चा के समान है। और वो ही नहीं, कोई भी किसी भी पार्टी से कभी भी कोई अपशब्द किसी नागरिक को ना बोले, मेरी ये पर्सनल प्रार्थना है। वरना सबको पता है 4 दिन की तो चांदनी होती है, फिर तो अंधेरी रात है। 4 दिन की चांदनी किसकी? ये एक मुहावरा बोला है, आप इशारा मेरा समझ चुके हो। नहीं आप समझा दीजिए और। बिल्कुल मैं समझा देता हूँ। बार बार पास होने से कभी बच्चा फेल भी हो जाता है जब वो सही ढंग से पढ़ाई नहीं करता। जवाब दो बाबा, जवाब दो। यही जवाब है मेरा, बिल्कुल यही जवाब। वो कह रहे शेर शायरी बहुत बोलिए, ये जवाब है। आप शायरियों में जवाब देते हैं जी, आपको पसंद है इसलिए शुरू में ही कह दिया। शाहीन बाग में क्यों नहीं जा रहे हैं? वो लोग पूछ रहे हैं कि शाहीन बाग में केजरीवाल क्यों नहीं जा रहे हैं, केजरीवाल दूरी क्यों बना रहे हैं, साइन बाग बना ही क्यों? सबसे पहले तो ये प्रश्न आता है, साइन बाग बनना ही नहीं चाहिए था। साइन बाग तो एक स्थान का नाम है जो दिल्ली के दक्षिण क्षेत्र में ओखला क्षेत्र में पड़ रहा है, पहले था अब शायद इसमें पड़ रहा है वो। और दक्षिण दिल्ली के किसी भी कोने में क्या मुसलमान भाई नहीं रह रहे, क्या इस भाई नहीं रह रहे, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या हिंदू, क्या सब रह रहे हैं, बदरपुर में क्यों नहीं? बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है उन्हें, आम आदमी पार्टी उनके बहाने माहौल खराब कर रही है। गाली मैं दूं किसी दूसरे को, इल्जाम भी मैं दूसरे पे डाल दूं, स्पष्ट तौर पे हाथ जोड़ के कहता हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेणी संसिता नमस्तस्य हि नमस्तस्य हि नमस्तस्य हि नमो नमः। ये कहाँ से आया? हाँ विघ्न हरण से आया, इसलिए कि शुद्ध बुद्धि दे भगवान इनको। अच्छा हाँ, विघ्न हरण मंगल करण हे गणपति गणराज, प्रथम निमंत्रण आपने मारो पूरण की। आप बात करते करते भटक जा रहे हैं। अरे बिटिया हम तो बड़े शाहीन बाग का जो मुद्दा है ये जो उठ रहा है, आपको क्या लगता है उससे किसको फायदा होगा? चाहिए किसको फायदा होगा? ये देश का बहुत भारी नुकसान है, फायदा किसी का नहीं, हम सब का नुकसान है बिटिया रानी। मैं आपको बता दूं कैसे हमारी बदनामी विदेशों में जा रही है। हम लोग नीचे 10% आ गए हैं हिंदुस्तान की जनता। एबीपी न्यूज पे अभी 4 घंटे पहले ही सुबह 10 बजे मैंने टीवी देख के देखा है, विदेशों में हमारी नाक कटने जा रही है। क्या हो रहा है? ऐसा तो हमने हमारे टाइम में तो देखा नहीं। 47 में क्या हुआ, 1857 की क्रांति की क्या हुआ, वो हमने नहीं देखा। हम तो हाले बयां अभी नजर देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और कदाचित हिंदुस्तान के किसी भी कोने में नहीं होना चाहिए। हाथ जोड़कर उन राजनेताओं से मेरी विनती है, प्रार्थना है, इसको जल्द से जल्द सारी पार्टियां मिलकर बंद कराइए और जो मुद्दा है उस पे आकर इसका फैसला सही। प्रोटेस्टर्स हटने को तैयार नहीं है, केंद्र सरकार कह रही है कितना भी प्रोटेस्ट हो वो अपने फैसले पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। प्रोटेस्टर भी पीछे हटने को तैयार नहीं। हिंदुस्तान में शब्द ही नहीं है, असंभव कोई शब्द ही नहीं है, संभव ही संभव है। बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, उनके एक इशारे से हवा भी रुख बदलती है। इनकी तो हस्ती क्या, ये तो खुद कह रहे हैं हमारा फैसला। आइए मोदी जी और आइए अमित शाह जी, हम आपको बड़ी बहाई बड़े छोटे सब चाचा ताऊ मानते हैं, हम पे आप पे विश्वास है। 3 तलाक के मुद्दे पे तो सारी मुसलमान बहनों ने वोट दिया है। अभी तो बोला है जी न्यूज़ के संवाददाताओं के द्वारा, 2-4 बिटिया बोल रही थी कि आप पे पूरा विश्वास है मोदी जी, आइए आपका स्वागत है, हमारा फैसला करके जाइए। क्यों नहीं आ रहे वो लोग?
क्यों लगता है, क्या लगता है, क्यों नहीं आ रहा है? सरकार कह रही है कि इनविटेशन दे रही है कि आइए बातचीत कीजिए, कुछ चैनलों से ऐसा आया, कुछ जगहों से ऐसी खबर आई कि सरकार चाहती है कि मतलब कि उनके, सरकार का कहना है कि उनको गुमराह किया जा रहा है, कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनके बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में ये डर पैदा कर रहे हैं CAA और NRC को लेकर, ये सरकार का कहना है। देखिए सरकार जो भी काम करेगी अच्छा ही करेगी, सोच समझ के ही करेगी, और उन्होंने जो फैसला लिया अच्छा ही लिया है, और जिस किसी ने भी चिंगारी दिखाने की कोशिश भी करी गई होगी तो उन्हीं के लोगों के शब्द आए हैं बयान। अभी अपोजिट वालों ने किसी भी नहीं, अभी केजरीवाल जी को आतंकवादी बता रहे हैं, ये शब्द अच्छे नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा प्लीज़। आतंकवादी किसको बोला जाता है, जाइए ना, इतने गोली चलाने वालों को भेजते हैं तो बॉर्डर पर भेजिए। जो पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश करें, मैं उन वतन के रखवालों के लिए अपनी जान भी फिदा करता हूँ, वतन के रखवालों को मैं बारंबार करोड़ों बार प्रणाम करता हूँ। उनके भरोसे बैठे हैं, हम नेताओं के भरोसे नहीं बैठे। एक बात बताइए, ये किसी दिन खड़े हो गए नेताजी बन के तो वोट देंगे क्या? बिल्कुल देंगे, आपको नहीं पता मैंने 27 साल जनता की अपने तन मन से यहाँ बदरपुर क्षेत्र में, मेरे अपोजिट लोग भी कहते हैं नमस्कार शर्मा जी, मैं क्या करूं, मैं उनको नमस्कार। अरे मालिक नहीं मुझे इतना बड़ा बना, ये पता लगे कि मुझे ही क्यों, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ बेटा, मुझे, मैं तो अचानक जा रहा था, मैं हकीकत बताता हूँ, हिम्मत मददात मदद खुदा, चिड़िया संग बाज लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम धरावा, हिंद की मिट्टी है तू, झांसी की रानी है ना बेटी, छोरी मैंने तू बोल दिया, माफी चाहूंगा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कविता समझ के बोल गया, कोई बात नहीं, कोई मैं झांसी की रानी समझता हूँ हर उस बेटी को, 1857 की क्रांति याद आ जाती है, आज भी संसद में मेरी बेटियां कम से कम 80-70 बैठी हुई हैं, उन बेटियों में से सबसे पहले पहले सुषमा बेटी को नमस्कार करूंगा मैं, भारतीय जनता पार्टी। आज एक और बेटी आ रही है, ओके दबंगे बेटी सुषमा स्वराज, आज एक और बेटी आ रही है, स्मृति ईरानी की रैली है ना मौजपुर में, बहुत बढ़िया बेटी है, हमारे विपक्ष वाले भी उनकी तारीफ करते हैं, पर उस बेटी को बोलना चाहिए कि सिंहासन ही लूटे थे, राजवंशों ने मुक्ति तानी थी, इस बुढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, चरकुटी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, दूर फिरंगियों को भगाने की जो मन में ठानी थी, अरे बूंदे ले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये क्या था? ये झांसी वाली है, ये फैसला कर सकती है, ये अपने बड़े भाई को राखी बांधती है, स्मृति ईरानी। ये बोलो नेताजी जीत गए, बिल्कुल जीते पड़े, नादान बालक मनोज तिवारी भी आ रहे हैं आपके यहाँ, पहली बार मनोज तिवारी की भी रैली है, स्वागत है मनोज तिवारी, सबको आना चाहिए बदरपुर में, पर वोट की प्रतिशत निर्वाचन आयोग ने 182,000 समथिंग बदरपुर विधानसभा चुनाव में वोटों की निर्धारित तो की है, बात कहना चाहूंगा, परंतु 151,151 वोट लेके जा रहे हैं, 100% ये जो जीत गए नेताजी, चलो ये जो भी कहो आप आदमी बड़े मजेदार हैं, इन्होंने और यही कारण है, यही कारण है कि चौधरी राम सिंह नेताजी मेरे को आशीर्वाद दे चुके हैं, आपने 100 कविताएं मुहावरे रटे।